महामारी ने देश की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। अर्थव्यवस्था इस कदर बिगड़ गई है कि लोग बेरोजगार होते चले गए। बदहाली का आलम यह है कि लोगों को दो वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही है। इस मजबूरी में सरकार जनता की मददगार नहीं बनी, जिसकी पोल एक रिपोर्ट खोलती है। आंकड़े बताते हैं कि महामारी में कैसे खाने के लिए तरसते थे लोग। लोगों को जीने के लिए दो वक्त की रोटी चाहिए होती है, लेकिन अगर वो भी नसीब ना हो तो सांसें साथ छोड़ देती हैं। महामारी ने भारत को भी इस परिस्थिति में लाहड़ा किया है, जहां लाचारी और बेबसी की वजह से जनता अपनी भूख तक नहीं मिटा सकी, जबकि सरकार मददगार होने का दावा करती रही। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है, उसने सरकार के दावों की कलई खोल कर रख दी। आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार केवल दिखावा करती गई। इस आधी हकीकत और आधे फसाने में जनता की जान जाती चली गई। दरअसल एक सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल दूसरी लहर के बाद हाशिए के वर्गों को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा है। राइट टू फूड कैंपेन द्वारा आयोजित हंगर वॉच सर्वे 2 में पाया गया है कि 41% उत्तरदाताओं ने महामारी के दौरान भोजन की पोषण गुणवत्ता में गिरावट देखी थी। रिपोर्ट के मुताबिक 60% परिवारों ने बताया कि वो भोजन के बारे में चिंतित हैं या स्वस्थ भोजन नहीं खा पा रहे हैं। 6,697 लोगों में से केवल 34% ने बताया कि सर्वेक्षण से पहले के महीने में उनके घरों में अनाज की खपत पर्याप्त थी। आधे लोगों ने महीने में 2 से 3 बार पर्याप्त भोजन ना मिलने की बात कही। ये आंकड़े बताते हैं कि देश में मोदी सरकार जनता को भरपेट रोटी तक नहीं दे पाई। यही आलम पहली लहर के बाद भी था। सर्वेक्षण के पहले चरण में बताया गया था कि महामारी के दौरान आय में गिरावट आई है। आय में कमी की सूचना देने वालों में 59% ने कहा कि उनकी कमाई अब आधे से भी कम है और 26% ने कहा कि कमाई आधी से 3/4 के बीच है। यानी महामारी ने लोगों से रोजगार छीने, खाने के दाने छीने और उन्हें बेबस कर दिया। इस हालात में भी सरकार ने केवल झूठा दावा किया, जिसकी कीमत जनता को चुकानी पड़ी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।